माय चैनल। मैं उत्सवी सोनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने हमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट हेयर कलर ट्राई करने वाली हूँ। मैंने रेड, ब्राउन, कॉपर, ब्लॉन्ड सारे हेयर कलर ट्राई कर लिए हैं, तो इस बार मुझे कुछ नया ट्राई करना है, तो उसके लिए आप सभी को पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं इस ब्रांड के हेयर कलर के, तो तब से मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं कोई एक शेड ट्राई करूं इस ब्रांड का। तो ये ब्रांड है पैराडाइज करके, तो इसके मैंने दो शेड्स मंगवाए हैं। तो पहला है सुपरबा एक्वा और दूसरा है पैराडाइज का क्रिंकल वायलेट। तो आज मैं सुपरबा एक्वा ये शेड ट्राई करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो गाइज, इस हेयर कलर के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये हेयर कलर सेमी परमानेंट हेयर कलर है और ये हेयर कलर 7 to 10 हेयर वॉश तक स्टे करता है, और इसको इस हेयर कलर को वो ग्लास जार में पैक कर कर देते हैं, जिसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो आगे डाल रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे ये हेयर कलर करने में किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे स्टाफ में से एक हेयर ड्रेसर की हेल्प लेकर मैं ये हेयर कलर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर ऑलरेडी प्री लाइटेड है, तो मैं ये हेयर कलर डायरेक्टली मेरे हेयर पर अप्लाई करूँगी। अगर आपके हेयर प्री लाइटेड नहीं है तो आपको सबसे पहले आपके हेयर प्री लाइट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप ये हेयर कलर अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा कलर रिंस आउट हो चुका है। मैंने जस्ट वाटर से वॉश कर कंडीशनर अप्लाई कर उसको भी रिंस कर दिया है, और अब मैं ड्राई कर अपनी फाइनल स्टाइलिंग करने वाली हूँ। तो मैंने अपना पूरा हेयर कलर कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। इनफैक्ट मेरे हेयर की क्वालिटी भी बहुत सॉफ्ट लग रही है। और थम्स अप टू पैराडाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।